जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी स्कूलों के हालात यही थे। नई सरकार बनी, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री बने और उनका कहना था कि स्कूलों का स्तर सुधारना है, लेकिन स्कूलों के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। जीवन पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जीवन, सरकार का दावा और स्कूलों के हालात, क्या नजर आता है कि सरकार के दावे सिर्फ दावों तक सीमित हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के दावे सिर्फ दावे हैं और वो हकीकत में कुछ नहीं है। धरातल में देखा जाए तो इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है इस स्कूल में। जब हम पहुंचे, स्कूल की हालात देखे तो बच्चे बाहर बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा बच्चे अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदर आप स्थिति देख लीजिए, तो हमने देखा छत ऊपर से नीचे गिर रही थी और वास्तव में एक खतरनाक माहौल वहां पर बना हुआ था कि बच्चे वहां अंदर नहीं बैठ सकते। फिर हमें वहां प्रधानाचार्य से बात हुई तो प्रधानाचार्य ने कहा कि हम पहले भी इनको अवगत करा चुके हैं, आज हमें 4 साल हो गए अपने अधिकारियों को बताते हुए, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई चोट आती है या कोई भी यहाँ पर दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है शिक्षा विभाग के ऊपर, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर भी, कि ये क्या स्थिति है कि जिम्मेदारी विद्यालय कैसे लेगा एक बिल्डिंग की। जी जीवन, जो बातें कही जा रही हैं स्कूल में, जो शिक्षक तैनात हैं वो कहते हैं कि हमने कई बार शिकायत की प्रशासन से लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो क्या इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी लापरवाही का रवैया अख्तियार करके बैठे हैं? लापरवाही तो साफ नजर आ ही रही है, लेकिन शिकायत के बाद भी संज्ञान न लेना किस तरफ इशारा करता है? जी, हमने जब यहाँ पर पूरी स्थिति देखी तो हमने संबंधित अधिकारी को यहाँ से फोन किया और जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि हमें इस बारे में पूरा अवगत है और जल्द ही इसका काम किया जाएगा। हमने कहा 4 साल गुजर गए हैं, एक सोचने वाला प्रश्न है कि 4 साल गुजर गए हैं और बच्चे बाहर बैठे हैं, मासूमों की जान खतरे में है, उसके बावजूद भी किसी के कान में जू नहीं रह गई है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और उसमें अधिकारी ये कहते हैं कि हाँ जल्द ही हो जाएगा। जी, अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं उनके परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना है कि सरकार पहले भी रही और सरकार अब नहीं आई है, नई सरकार में भी वही रवैया और वही सब चल रहा है जो पहले की सरकारों ने किया। ना पहले कोई कार्य हुआ है ना अब कोई कार्य हो रहा है और विद्यालय में वो बच्चों को भेज जरूर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक भय लगा रहता है कि कहीं कोई यहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो भी चाहते हैं कि बच्चे बाहर ही पढ़े अंदर ना जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।